नमस्कार, मैं अमरेंद्र रावल और आप देख रहे हैं पब्लिक उड़ान चैनल। इस वक्त हम मौजूद है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के माफा पेट्रोल पंप पे, जहां पे बढ़ते पेट्रोल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में होड़ चल रही है कि पेट्रोल इतनी महंगी क्यों हो रही है। ऐसे में हम यहां पे आए हैं और जानेंगे पब्लिक की राय क्या कहते हैं बढ़ते पेट्रोल को लेकर के। आज के डेट में पेट्रोल की जो रेट है वो 94.56 रुपये का है, जो कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 70 सालों में ये पेट्रोल की रेट 65 रुपये तक गई थी, लेकिन 2014 से 2019 में जब से बीजेपी की सरकार है तब से ये पेट्रोल का रेट बढ़ करके 96 रुपये तक हो गई है। ऐसे में पब्लिक का कहना है कि मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, और कहना है कि मोदी सरकार जब से आई है तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम जानते हैं लोगों की राय क्या कहते हैं बढ़ते पेट्रोल को लेकर के, महंगी होती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? चीज तो ऐसे घटता बढ़ता रहता है, लेने वाला चीज है तो लेवे करेगा, दारू बहन है फिर भी पीवे करता है आदमी। क्या नाम है आपका? सैयद अहमद। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया से। पेट्रोल का रेट अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी जब से आई है तो कह रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जब बीजेपी नहीं थी तो 70 साल में पेट्रोल का रेट 65 रुपये लीटर तक गया था, लेकिन पिछले 5 साल में पेट्रोल का रेट बढ़ करके 96 रुपये 95 रुपये लीटर तक हो गया। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार में अच्छा है या फिर कुछ गलत हो रहा है? देखिए, सरकार अच्छा चला या खराब, हम लोग को परेशानी बहुत हो रहा है, समझे ना। ये पेट्रोल का दाम देख रहे हैं ना, 94 रुपये 54 पैसा हो गया, कितना दिन में हुआ ये चीज़? 5 साल में पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, 2014 से 2021 तक में ये जो 6-7 साल का कार्यकाल है, इस काल में 65 रुपये से पेट्रोल 100 रुपये के आसपास गई है, तो क्या कहते हैं आप इससे, क्या ये अच्छे दिन की संख्या? पुराने दिन ही लौटा दे तो बेहतर रहेगा। क्या कहते हैं के साथ वो वक्त बताएगा बताएगा मैं खुश तो नहीं हूँ, नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? उम्मीद यही है कि अच्छी व्यवस्था बनाए, और उसके बाद ये जो पेट्रोल का दाम इतना है इसको कम करे। 2014 से 2021 तक में पेट्रोल की काफ़ी महंगाई आई है, महंगी हो गई है, जो कि पिछले 70 साल में नहीं हुई थी। आप क्या कहना चाहते हैं इससे लेकर, कि ये अच्छे दिन के संकेत है या नहीं? तो बहुत अच्छे दिन के संकेत हैं, इससे क्या होगा? आप खुश है पेट्रोल की रेट? खुश तो नहीं है ना, आदमी को तो दुखी होगा कि इतना महंगाई बढ़ रहा है, कैसे आदमी क्या करेगा? जो कमाने खाना डेली कमाने खाना जिंदगी जी रहे हैं, सब किस तरह से जिएंगे जिंदगी? क्या बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं, इस तरह से महंगाई बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? सर, आप अपनी तरफ से सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? जितना जल्द से जल्द सामान सबको ये सस्ता किया जाए, हर चीज़ जैसे लोहा पेट्रोल हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। हम सर, आप हुंडई से? हाँ, हुंडई से। क्या नाम हुआ सर आपका? अनंत। सर, अभी पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कह सकते हैं इसके लिए, पेट्रोल महंगा है, अब सबके लिए महंगा है, मेरे लिए। अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा तो नहीं हो रहा है, सस्ता रहना चाहिए, सस्ता रहेगा तो सबके लिए कंफर्टेबल होगा तेल भरवाना, बट अब महंगा है तो क्या कर सकते हैं। 70 साल की सरकार में पेट्रोल 65 रुपये थी तो बीजेपी सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 7 सालों में पेट्रोल 65 रुपये से 100 रुपये के आसपास हो गई है, तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं बीजेपी का? ये तो देखिए, अब तो वो तो गवर्नमेंट तय करती है ना रेट क्या है नहीं है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, पर ये है कि कम होना चाहिए रेट। संकेत नहीं, अच्छे दिन तो वैसे हैं, चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, पर तेल का भी दाम घट जाएगा जल्दी। 2020 में कोरोना का गया था, जिसके चलते सर महंगाई की मार काफ़ी ज़्यादा चपेट में आ गई और लोगों की जो दैनिक आमदनी थी वो कम होते चले गए। ऐसे में कि हर चीज़ का महंगा होना, क्या लगता है आपको, ये सही? नहीं, सही तो नहीं है वैसे, बट है कि अब उम्मीद रखिए कि जो हो जाएगा ठीक, सब कुछ वापस पहले की तरह। ये तो बुरे दिन के संकेत हुए। आने वाले समय में सर आपको कैसा लग रहा है, आप किसके समर्थन में आएंगे? समर्थन तो मोदी का ही मिला रहेगा, आगे वो जो करे। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सरकार है ये मनमानी की सरकार है, इसमें पब्लिक की कुछ भी नहीं सुनी जाती है। ऐसे में जब से सरकार बनी है तो मोदी अपने हिसाब से हर चीज़ कर रही है, तो आने वाले टाइम में क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में सरकार है ये इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेकर के पेट्रोल की रेट में कमी लाएंगी या नहीं लाएंगी? ये तो सर हम कह नहीं सकते हैं, पर मोदी जो भी कर रहे हैं, मोदी जी आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा सोच के ही कर रहे होंगे, लेकिन इसमें इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बताते चले कि भारत में तेल की कीमत बढ़ने के कारण यहाँ पे तेल की कीमत 100 रुपये के आसपास चली गई है, लेकिन नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जहाँ पे भारत से ही पेट्रोल की सप्लाई की जाती है। ऐसे में भारत की अपेक्षा नेपाल में पेट्रोल 23 रुपये सस्ती है। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए पब्लिक उड़ान और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।